हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और हमारी वीडियो का टॉपिक है रीस्टार्ट यूपी टीजीटी फ्रॉम ज़ीरो, जिसमें कि हमने डे फर्स्ट का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। डे फर्स्ट का टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था, लिटरेचर में शेक्सपियर की बायोग्राफी हम लोगों को पढ़ना था, ग्रामर में नाउन का टॉपिक हमें कंप्लीट करना था, जो कि लूसेंट या रेनन मार्टिन या जो भी बुक आपके पास हो आपको उससे इसको कंप्लीट करना था। और लिटरेरी टर्म्स में हमें 10 लिटरेरी टर्म्स, जो भी आपके पास बुक है उसमें स्टार्टिंग की 10 लिटरेरी टर्म्स या फिर एमएच एब्राहम से आपको करनी थी, और वो कैब में 20 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कंप्लीट करने थे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि डे फर्स्ट का टारगेट आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और फ्रेंड्स एक चीज़, ये सीरीज़ आगे तभी बढ़ेगी जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे और कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे इन सब चीज़ों का जो मैं पूछूंगी। तो क्या आपने डे फर्स्ट का टारगेट कंप्लीट कर लिया है? अगर हाँ तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो जो आपकी चीज़ें बचती है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और कुछ भी आपको टॉपिक इसमें से नहीं छोड़ना है। तो चलिए बात कर लेते हैं डे टू के टारगेट की, जो कि लिटरेचर में हमने रखा है शेक्सपियर के जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं, क्रिटिकल कमेंट्स। एंड बुक्स, शेक्सपियर के जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं और बुक्स हैं, शेक्सपियर के ऊपर कुछ कोट्स जो किसी ने भी उनके लिए जो अपनी राय दी है, जो अपने विचार थॉट बताए हैं, वो सब हम लोगों को पढ़ना है। और इनके ऊपर जो बुक्स बनी हैं, इनके वर्क्स के ऊपर जो बुक्स बनी हैं उनको हमें पढ़ना है, और पिछली चीज़ों को भी एक बार रिवाइज़ करना है, बायोग्राफी को एक बार देख लेना है, जिससे कि पीछे से हम रिकनेक्ट करते हुए चलें। बायोग्राफी को एक बार फिर से पढ़ लेंगे और फिर शेक्सपियर के जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं और जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड उनको पढ़ लेंगे। ग्रामर में हम नाउन को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है, कई सारे चैप्टर्स हैं उसमें। तो जिनका कल रह गया है, नाउन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो उसको आज कंप्लीट कर ले। कई सारे कमेंट्स आए थे कि नाउन का जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंथी है, लूसेंट में कई सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा। मैं भी जानती हूँ, मुझसे भी नहीं हुआ एक दिन में, और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि नाउन के जो कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे जेंडर है, केस है और नंबर है, तो इन सब चीज़ों को आप एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नाउन को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही ये कंटिन्यू कंप्लीट होता है उसके बाद इसको नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट है लिटरेरी टर्म्स, आगे की जो नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़नी है, तो ये 20 हो जाएंगी। 20 कैसे हो जाएंगी आप लोगों को बताती हूँ। पिछली जो 10 लिटरेरी टर्म्स हैं उनको हमें रिवाइज़ करना है, साथ ही साथ हमें नेक्स्ट 10 लिटरेरी टर्म्स को पढ़ना है। उससे क्या होगा, जो पिछली लिटरेरी टर्म्स हमने पढ़ी थी वो भी रिवाइज़ हो जाएंगी और नेक्स्ट 10 लिटरेरी टर्म्स भी हो जाएंगी कम्प्लीट। तो नेक्स्ट प्लस 10 लिटरेरी टर्म्स हमें कम्प्लीट करनी है। वो कैब में वही रहेगा, 20 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हम लोगों को कम्प्लीट करने हैं, 20 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और अगर आप लोगों को ये जो सिलेबस है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये ज़्यादा लग रहा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, एक दिन का जो टारगेट है वो दो दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। होगा यही कि आपको ज़्यादा समय लगेगा, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा टारगेट है कि एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाए। लेकिन एक दो कमेंट आए थे कि मैं वर्किंग हूँ और एक हाउसवाइफ हैं, वो बोलती हैं कि उनको इतना समय नहीं मिल पाता। तो जितना भी समय आप लोगों को मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग इस टारगेट से जितना भी आपका बचता है वो आप नेक्स्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बात ये है, आधा पढ़िए, पूरा पढ़िए, जितना भी पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू रखिए। बस मेरा पर्पज़ ओनली यही है कि कंटिन्यूटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है तो इंटरेस्ट जा रहा है सबका, इंटरेस्ट बना रहे बस। और इंटरेस्ट अगर बना रहेगा तो हम अच्छे से इसको कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे, क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा है उसको आगे से कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने पहले बायोग्राफी पढ़ी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रिटिकल कमेंट्स और बुक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। फिर नाउन का जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो पिछला तो ऑलरेडी हो ही चुका है और उसको भी एक बार देख लेंगे, रूल्स ओनली देख लेंगे, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो और लिटरेरी टर्म्स जैसे हैं, 10 लिटरेरी टर्म्स हमने कल पढ़ी थी, इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर एक बार पढ़ ली है तो जल्दी ही रिवाइज़ हो जाएंगी। एक बार सरसरी नज़रों से उनको देख लेंगे, कोई एक आध टर्म ऐसी होगी जो अच्छे से हमें समझ में नहीं आई होगी वो भी आ जाएगी, और नेक्स्ट जो 10 लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी अच्छे से हो जाएंगी।
बात आती है वोकैब की, 20 सिनोनिम्स और उन्हीं वर्ड्स के एंटोनिम्स हमें पढ़ने हैं, नए कोई भी वर्ड्स के एंटोनिम्स नहीं पढ़ने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा एक ही वर्ड की दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी, 40 वर्ड्स एक साथ तैयार हो जाएंगे और ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड का हम सिनोनिम पढ़ेंगे, साथ ही साथ एंटोनिम भी उसका पढ़ लेंगे। तो डे टू का टारगेट यही है फ्रेंड्स। डे वन हम कंप्लीट कर चुके हैं और जिसने डे वन से कंप्लीट डे वन की वीडियो नहीं देखी है वो डे वन से ही स्टार्ट करे। ऐसा ना हो कि आप डे टू से स्टार्ट करें और डे वन का टारगेट आपका छूट जाए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है रीस्टार्ट UPTGT के नाम से, आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियो सिक्वेंस से देख सकते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट मत कीजिएगा, आप डे वन से स्टार्ट कीजिएगा। डे वन से स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से और ईजिली अपने टारगेट को कम्प्लीट कर पाएंगे और अपने सिलेबस को कम्प्लीट कर पाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो या कोई सजेशंस हो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ये सीरीज़ ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। कंसिस्टेंटली अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा सिर्फ फ़ायदा इतना है कि मेरी भी आपके साथ तैयारी हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि मेरी भी स्टडी जो है वो ब्रेक होती रहती है, बीच में मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। अब आप लोगों के बहाने से मैं भी स्टडी कर पाऊँगी और मैं भी कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने टारगेट कम्प्लीट करते रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और ध्यान रखिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टारगेट सीरीज़ कैसी लग रही है और क्या आप अपने टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हैं। मैं इसको तभी कंटिन्यू रखूँगी जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे मैं इसको कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, ना ही मुझे फिर ये रहेगा कि मैं क्यों कंप्लीट करूँ, क्योंकि कौन इसको करेगा? जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो कैसे मैं इसको फिर आगे कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्ट लेंगे और आप कमेंट्स में बताएंगे, इसमें कोई सजेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं या फिर इसमें कोई कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं या फिर इसमें से कुछ भी कम या ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सीरीज़ आगे ऐसे ही चलती रहेगी, डेली मैं टारगेट दूंगी और एक दिन हम रिविज़न का रखेंगे जो कि संडे रहेगा, और 3 या 4 दिन का कम्प्लीट होते ही संडे आ जाएगा तो हम फिर उसको पूरा रिवाइज़ करेंगे, रिविज़न करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।